हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो तुम्हारे भाई यहाँ पर आ चुका है एक नया वीडियो लेकर। और अभी यहाँ पे हम राउंड 8 से स्टार्ट कर दिए हैं रिकॉर्डिंग करना। देखो यहाँ पे मैच विन करते या नहीं। तो यहाँ पे किलर क्वीन 2 का एक प्लेयर आया है, एस्ट्रो इसका नाम है। तो क्या मैं इसे हरा पाऊँगा? यहाँ पे मेरा डार्ट कंजल को मार दिया लाइटनिंग से, और मेरे पास फिनिक्स है। मैं फिनिक्स को उतारूँगा पहला वाला लेन में। और ये यहाँ पे सेमन यूज कर रहा है, मेरे को पता है बीच में क्या होगा। ये लग गया झटका, हो गया इसका सेमन का फटका। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे फिर से सेमन उतारेंगे। और भाई स्केलेटन्स वाला पूरा भरमाड़, जहाँ देखो वहाँ भाई स्केलेटन्स लीजियन यूज कर रहा है। भाई मुंह उठा के देखो, स्पेक्चर इतना जल्दी बना रहा है। भाई यार क्या करेंगे, ज़िंदगी बेकार हो गया। टूर्नामेंट खेलते खेलते कितना टूर्नामेंट खेलेंगे। तो चलो यहाँ पे फायर एलिमेंटल मार देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है आगे। आगे का पता नहीं, बट हमको मैच विन करना है भाई। तो इसका हमको सेमन को बचाना है, सेमन को बचाना है भाई, सेमन को मरने नहीं देना है। क्योंकि भाई सेवन बड़ा खतरनाक कार्ड है। अब क्या करेगा भाई, ब्लैक विज यूज किया, ये ले तू एक फटका और खा जाए, इसको दे दिए यहाँ पे एकदम बम का फटका। मेटियर्स का झटका इसको लग गया है। और अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे उतारेंगे विंड, विंड के बाद हम ड्रैगन उतारेंगे। लेकिन ड्रैगन उतारने का हमको लग रहा है कोई चांस यहाँ पे बनेगा नहीं, मैच विन कर सकते हैं इजली। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ने यार ये ड्रैगन यूज किया? मेरे को पता नहीं था कि ये अपना डेक में ड्रैगन भी यूज किया। मैक्सिमम लोग तो ड्रैगन यूज़ नहीं कर रहे हैं, जितना भी लोग यहाँ पे स्पेक्चर डेक के साथ स्केलेटन्स लेजेंड्स का यूज कर रहे हैं। बट ये बंदा भाई ड्रैगन का यूज किया, तो इसका यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का ये डेक बनाया है। तो खैर गाइस, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ब्लैक विज, और ब्लैक विज यूज करके हम फिनिक्स यहाँ पे यूज कर दिए हैं। और क्या ये फायर एलिमेंटल मारेगा? नहीं भाई, ये फायर एलिमेंटल नहीं मारा है। और इसका हेल्थ 1400 करीब है। तो भाई जल्द से जल्द यहाँ पे मैच विन कर जाएं। और भाई मिस्टेक से गलती कर दे, कुछ हड़बड़ी में हम भी यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे लाइटनिंग फालतू में यहाँ पे यूज कर दिया, लाइटनिंग यूज करने की कोई ज़रूरत था ही नहीं, अभी लाइटनिंग यूज करने का ज़रूरत था ना। देखो यहाँ पे ब्लैक विज यूज कर दिया। गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा करो यार, हमसे हमेशा गलती होता है। हमेशा मैच विन करने वाले होते हैं, बट हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। और बंदे मेरे को फालतू में स्टिकर दिखा के जाते हैं, पता नहीं क्या बिगाड़े हैं भाई, हम ही को स्टिकर दिखाता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है मैच है तो स्टिकर है तो गेम का है, तो स्टिकर तो दिखाना बनता ही है। और यहाँ पे देखो लेवल 10 का स्ट्रक्चर बना दिया, सॉरी नंबर 10 ट्रूप्स, नंबर 10 का लेवल 10 क्या बोलेंगे भाई, काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर बना लिया। पीछे से मन दिया है, हम सोच तो रहे हैं कि यहाँ पे मिटियर्स पे के, बट यहाँ पे पहले हम ड्रैगन को उतारने का सोच रहे थे कि भाई ड्रैगन बढ़िया बड़ा काम का चीज़ है। तो ड्रैगन को हम उतारने का सोच रहे हैं, और मिटियर्स हम रखे हैं ब्लैक विच को मारने के लिए। तो इसलिए मिटियर्स थोड़ा संभाल के यूज करना चाह रहा। और ये बंदा भी यहाँ पे ड्रैगन का यूज कर दिया है। तो चलो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है आइस एलिमेंटल, आइस एलिमेंटल से उसका सेवन को जमा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये ड्रैगन दोनों आपस में मर जाएगा। चलो फिनिक्स मारने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरा ड्रैगन फिर भी मर गया, तुम्हारा भी मर गया। और अब यहाँ पे इसको झटका लग जाएगा, और 856 भाई कितना मरेगा भाई यार, 62 का हेल्थ में बच गया। और ये यहाँ पे फिर से ब्लैक विज यूज किया, थोड़ा सा तो भाई बचा हुआ यार, जल्दी मैच विन करवा दे। चलो एक फायर एलिमेंटल लग गया, बहुत लंबा टाइम लगा दिया, कब का कब यार मैच विन किए हुए थे। तो गाइस लाइक कर दो यार, लाइक तुम लोग करते नहीं होते यार, मेरा दिल छोटा हो जाता है। दिल बड़ा करने के लिए यार लाइक किया करो, कम से कम 100 प्लस लाइक किया है गाइस, 100 प्लस यार बच्चा कुच्चा वाला लाइक यार लाइक कर दिया करो। तो जैसे कि तुम्हारा सौरभ भाई यहाँ पे देखो राउंड 8 जीत चुका है, और हम इसको शेयर कर देते हैं, बच्चे लोग भी खुश हो जाएंगे क्लैन में। और गाइस हमको अभी थोड़ा डर लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है कि जहाँ देखे वहाँ स्केलेटन्स यूज कर रहा है। तो डार्क एंजल रखें, वो काम तो आ रहा है, बट मेरे को डार्क एंजल रखने में यहाँ पे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। क्योंकि डार्क एंजल के साथ अगर एंजल रखे तो एंजल एंजल मिलके बनता है डार्क एंजल, समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ पे एंजल रखते तो डार्क एंजल मेरा काम आता। तो हम यहाँ पे डार्क एंजल को हटा के यहाँ पे सोच रहे आइस एलिमेंटल रखने का विचार। तुम लोग बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? और इस वाले डेक में होलो नाइट, वोलो नाइट कोई नाइट नहीं रखा, ना ही ब्लैक नाइट है, ना ही कोई भी नाइट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ डार्क एंजल है। और अब यहाँ पे डार्क एंजल को हटा के अब एलिमेंटल आएगा, उसके बाद फायर एलिमेंटल है। खाली एलिमेंटल वाला कार्ड तुमको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। और दो गो विंड रखे हैं, क्योंकि भाई बहुत डर लगता है, बंदा लोग मार देता है भाई जल्दी जल्दी, एक विंड रखने से काम चलता नहीं, इसलिए हम दो विंड रखे हैं। तो चलो गाइस डबल एलिमेंटल लगा लिया, आइस एलिमेंटल और ट्रिपल एलिमेंटल मिलकर फायर एलिमेंटल हो गया है। तो चलो देखते हैं भाई तीन एलिमेंटल का डेक क्या हमको यहाँ पे मैच विन कराएगा। तो एक बार फिर से डेक देख लेते हैं भाई, डर लग रहा है थोड़ा सा कि भाई हार नहीं जाए, क्योंकि राउंड 9 है, हर बार हार जाते हैं। और बंदे लोग स्टिकर दिखा के मेरा मजाक उड़ा देते हैं, पता नहीं क्या बिगाड़े हैं, कौन जन्म का बदला ले रहा है वो लोग भी। तो चलो यहाँ पे मेरे पास बचा 17 जेम्स, तुम देख सकते हो 17 जेम्स बचा भाई, चांस मेरे पास लेना नहीं है। और अगर हार जाएंगे तो इसके बाद हम गेम नहीं खेलेंगे, गेम छोड़ छाड़ देंगे हम, अब से जो फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर देंगे, पबजी खेलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कैसल क्रश नहीं खेलेंगे। तो चलो गाइस वैसा कोई सीन नहीं होना चाहिए, और आराम से हम लोग डेक लगा दिए और राउंड 9 स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे हम लोग को मैजिकल चेस्ट मिल सकता है, और भाई ज़्यादा टाइम लगा नहीं, यहाँ पे टाइगर आ गया। तो टाइगर आ गया, लायन कहाँ छोड़ दिया भाई, टाइगर वाले भैया आ चुके हैं।
तो यहाँ पे ये यूज कर दिया माना रिचुअल। इतना जल्दी माना रिचुअल कैसे आ सकता है गाइज। और देख लो भाई यहाँ पे स्केलेटन लीजेंड का भरमार, हम तो पहले सोच लिए कि यहाँ पे अब मेरा हारना यहाँ पे जो है फिक्स है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिनिक्स आ गया भाई, जान में जान आया कि भाई कुछ तो आया है। और अब हम यहाँ पे सेमन को करेंगे बाद में, लेकिन पहले आइस एलिमेंटल को हम यूज करेंगे। तो आइस एलिमेंटल को हम लगा देंगे लास्ट लेन में। तो कमेंट में बताना कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, और हम अपना फिनिक्स को मरने दे दिए। रीजन द गाइस, रीजन हर चीज़ सोच के काम करते हैं, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते हैं। झूठ मूठ का विंड वहाँ पर यूज कर देता तो मेरा विंड बर्बाद हो जाता। और बंदा यहाँ पे लगता है नूब है, क्योंकि इन्फेर्नो तो इन्फेर्नो वाला डेक यूज कर रहा है। और इसका एंजल और साथ में साइज बलिस्टा को उड़ाते हैं मेटियर से, बम ब्लास्ट कर दिए। और अब गए जब यहाँ पे यूज करेंगे स्पैग स्टैचू का। और देख लो यहाँ पे ये भैया यहाँ पे यूज किया है डिमोन्स का, बट मेरे पास चलो डबल आइस एलिमेंटल का ये रहा फायदा। और पहले यहाँ इसका मारो बंदर को भाई, बहुत ये दौड़ता है, धकेल धकेल के मारता है। तो बंदर का भी यहाँ पे जो काम तमाम करता है। और ये क्या भाई यहाँ पे जो ये कैटापुल्ट, यहाँ पे ये नुबड़ो सब बंदे यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं ये वाला डेक। भाई कैटापुल्ट में क्या स्ट्रेटजी है तुम बताओ? खाली वहाँ पे भाई खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद जो यहाँ पे खट 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 खाली गोला फेंकते जाता है बताओ। और उधर से देख लो यहाँ पे मड एलिमेंटल उतार दिया है। तो कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पे ड्रैगन उतार देंगे। देखो यहाँ पे हम ड्रैगन उतारते हैं। अब क्या होगा तुम्हारा, अब बोलो, अब बोल के दिखाओ। ब्लैक विच है? नहीं है भाई, ब्लैक नाइट उतारा है। गया इसका गाइस, ब्लैक नाइट को भी उड़ा दिया ड्रैगन। ड्रैगन के सामने कोई टिक सकता है क्या ड्रैगन भाई? तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे उतार देंगे अब सेमन। और सेमन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मेरा, काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है। और भाई देखो मैच हारने का वजह एक ही चीज़ होता है, ड्रॉ। अगर अच्छा ड्रॉ, अच्छा कार्ड टाइमिंग पे नहीं आया और ना ही अच्छा ड्रॉ जो है नहीं आया, तो भाई वहाँ पे हारने का चांस ज़्यादा रहता है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे टाइम जो है ख़राब ना करते हुए यहाँ पे मैच विन कर लिया। और देखते हैं यहाँ पे मैजिकल चेस्ट में क्या मिलता है। तो फटाफट हम लोग मैजिकल चेस्ट ओपन कर दिए हैं, और यहाँ पे मिल चुका है लेजेंडरी। भाई लेजेंडरी मिल गया भाई, दिख नहीं रहा है, हाँ दिख गया भाई। चलो लेजेंडरी में देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मेरा सेकेंड आईडी है, क्योंकि फर्स्ट आईडी में ऑलरेडी मेरे पास दोनों स्टिकर है। भाई फिनिक्स मिल गया, क्या बात है यार, चलो गजब है भाई। फिनिक्स मिल गया तो अच्छा कार्ड ही है, बट अभी तो जमाना एनएफटी का है। और अभी भाई राउंड 10 में पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है गाइज जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे कमेंट में बताना। 20 जेम्स का सवाल है गाइज, और मेरे पास 17 जेम्स बचा है। काफ़ी गरीब हो चुके हैं भाई, इस वाले आईडी में जेम्स का अता पता नहीं है। तो चलो देखते हैं तुम्हारा भाई फिर भी जो कोशिश करेगा, कुछ इसमें चेंज किया जाए क्या? भाई कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। दो क्रिस्टल रख के दो विन रखे हैं, और क्या रखेंगे गाइज? देखो यहाँ पे दिक्कत दे दिया भाई। यहाँ पे हम एक स्टिकर लगा लिए कि भाई ये बंदा आया है भाई, इसको यार ये भी स्टिकर दिखा रहा। ज़िंदगी में कभी तो फ्री विन दे दो यार, हम भी तो फ्री विन मांगते हैं। हम तो भाई बहुतों को दिए, लेकिन हमको भाई फ्री विन कोई नहीं दिया, सही बता रहे हैं। तुम लोग भले मुझे बोलो कि सौरभ भाई आप मेरे को फ्री विन नहीं देते हो, लेकिन गाइज तुम मेरे से पूछो मेरे को कितना बंदा फ्री विन दिया। मेरे को कोई फ्री विन नहीं दिया आज तक, बताओ। अभी राउंड 10 में इतना स्टिकर दिखा रहे, इतना स्टिकर हम कभी दिखाते नहीं किसी को इतना जल्दी। वो भी किस वाला स्टिकर दिखा रहे हैं, इसको किस कर रहे हैं तुम बताओ? हम ज़्यादा किस भी नहीं किए हैं किसी को, लेकिन इस बंदे को हम किस कर रहे हैं, टीएनटी ग्रे को, विज गेम्स का बंदा, ठीक है, इसको हम किस कर रहे हैं भाई? दे दे फ्री विन, नहीं दे रहा भाई, देगा ही नहीं। तो चलो यहाँ पे ये यूज़ किया बैलगाड़ी, इसको हम ब्लैक विच से उड़ाते हैं गाइज। और भाई यहाँ पे पहले फिनिक्स को बचाना, चलो यहाँ पे लाइटनिंग आ गया, इसका बैलगाड़ी को मार देंगे भाई, रिक्स नहीं लेना। और यहाँ पे यूज कर दिया स्पेक्चर, हर एक मूवमेंट गाइज देखो यहाँ पे तुम लोग सीख जाओगे गेम प्ले के। टूर्नामेंट तुम लोग बोलते हो मैच विन नहीं करते हो, क्यों नहीं विन करोगे भाई, आराम से मैच विन करोगे। यहाँ पे हम ब्लैक विच यूज़ कर दिया, और बंदा था नुबड़ा, और वहाँ पे यूज़ कर दिया वो, वहाँ पे उसको यूज़ करना था इधर, तो कोई बात नहीं। सॉरी नुबड़ा नहीं था भाई, भाई बंदा ठीक था, वो अपने हिसाब से ठीक खेल रहा था, बट लेकिन थोड़ा उसको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। वैसे राउंड 10 है शायद उसका, राउंड 8 या 9 होगा, इसलिए वो मेरे को फ्री विन नहीं दे रहा था। तो चलो गाइज यहाँ पे जो है मैच काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, और यहाँ पे बंदे यूज कर दिया फायर एलिमेंटल, और हम यहाँ प्रिडिक्स नहीं लेंगे, इसलिए हम फिनिक्स को हम इधर यूज कर दिए हैं, स्पेक्चर ये बना ना ले। तो चलो हम फायर एलिमेंटल यहाँ पे मारेंगे, ड्रैगन का वेट नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे स्पैग स्टैचू आ चुका है, तो स्पैग स्टैचू से भी देखो यहाँ पे भाई प्रिडिक्स नहीं लिए, मेरा फिनिक्स को तो मार दिया। देखो डबल डबल डिमोन यूज किया तुम देख सकते हो गाइज। और यहाँ पे सेमन ही फर्स्ट लेन में यूज किया हुआ, देखो यहाँ पे मेरा आइस एलिमेंटल को मारेगा ना। तो चलो ये रहा, और इसका सेमन को हम वाट लगा देंगे भाई। रुको ये आराम से ये हुआ भाई, डबल आइस एलिमेंटल का फायदा यार काम आया। लेकिन गाइस तुम लोग को हम पहले बताते हैं भाई, ये वाला डेक जो थोड़ा रिस्की है, हम तो पगलपंथी की तरह खेल रहे हैं, और तुम लोग का ड्रॉ उड़ा खराब दे देगा, तो बाद में हमको मत बोलना कि सौरभ भाई हम हार गए आपका डेक काम नहीं किया। तो इसलिए अपने हिसाब से डेक में ऐसा कर लेना कि भाई जो काम आ जाए। और भाई ऐसा डेक बनाओ जो कि थोड़ा स्पेक्चर स्केलेटन्स को जो है टक्कर दे पाए, क्योंकि जहाँ तक देख रहे हैं हर एक नुबड़ा
सबको भाई यही स्पेक्चर स्केलेटन्स यूज कर रहा है भाई, हम भी नुबड़ा है यार, हम भी स्पेक्चर वाला डेक यूज करेंगे आपसे। रुको हम भी यहाँ पे मैच विन करते हैं, पहला वाला आईडी में अभी तक तो मैच विन किया नहीं है, तो ट्राई करेंगे गाइज मैच विन करने का, तो देखते हैं मैच विन करते या नहीं। और ये यहाँ पे लगा लिया है फिनिक्स, कोई बात नहीं, हम विंड नहीं मारे, विंड को बचा के रखे हैं। और भाई तुमको जितने भी नहीं देंगे क्योंकि राउंड 10 है मेरा, तुम हमको फ्री भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो चलो गाइस टीएनटी ग्रे का हो जाएगा इसका, एकदम ग्रे ग्रे हो जाएगा। और यहाँ पे मार दिया इसका फाइनल भाई, यहाँ पे डिमोन स्टिकर दिखाई, ये ले तू जेस्टर वाला स्टिकर देख के तू हार जा। पहली बार किसी को राउंड 10 में भाई हम जेस्टर स्टिकर दिखा के, शायद इससे पहले हम कभी किसी को जेस्टर स्टिकर राउंड 10 में हराए नहीं, सॉरी दिखाए नहीं होंगे, बट इसको मैं राउंड 10 में स्टिकर दिखा के भाई हराएं, क्योंकि ये मेरे को डिमोन स्टिकर दिखा थू थू कर दिया मेरा मुंह पे, सुबह सुबह भाई जतरा ख़राब कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, जतरा बन गया लेकिन भाई स्टिकर दिखा के थू थू कर दिया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, 20 जेम्स हम लोग का आ चुका है, तो हम लोग क्लेम करेंगे प्राइज, और हम लोग को एक लेजेंडरी ऑलरेडी मिल चुका है। स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं कि बच्चे लोग को डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगे, और किसी को भी जहाँ लेना होगा स्क्रीनशॉट बोल देना, हम भेज देंगे। और गाइज अभी तक इन गेम का साउंड नहीं आ रहा था, और अब जो है माइक्रोफोन ऑन था मेरा, यही दिक्कत था। तो अब जो है अब यहाँ पे इन गेम का तुमको साउंड आएगा चेस्ट ओपन करने का। तो चलो गाइज यहाँ पे चेस्ट ओपन हो चुका है, चेस्ट ओपन करने पर देख लेते क्या मिलता है। तो चेस्ट ओपन हो चुका है जल्द से जल्द, यहाँ पे अब हमको क्लिक करने के लिए मन कर रहा है, और हम लोग कर देंगे क्लिक। तो मिल चुका है अर्जुन क्विक लेजेंडरी कार्ड, काफ़ी अच्छा कार्ड है ये, और देख लेते हैं इसमें से और हम लोग को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से चेस्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर मिला है चार कार्ड, एक मिल चुका है फैन डांसर, और क्या मिलता है जान ग्रोथ, एकदम फकार सा बेकार सा टट्टे वाला कार्ड मिला है। और उसके बाद देख लेते हैं और कौन सा कार्ड मिलेगा, यहाँ पे डेज मिल गया है, और उसके बाद एक और कार्ड ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे 6 मिला एक्स्ट्रा क्रिस्टल। तो टोटल मिला के यहाँ पे 284 गोल्ड मिला, और 24 शॉक मिला है, कुछ कुछ ठीक ठाक कार्ड मिला है, और तुम लोग को सभी गेम प्ले दिखाएंगे, गेम प्ले देखने में काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोग को। तो ये वाला डेक ट्राई कर लेना एक बार, और स्टिकर को भी देख लेते हैं, स्टिकर हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कैसा स्टिकर है। और चलो स्टिकर यहाँ पे ये मेरे लिए इस वाले आईडी में नया स्टिकर है, और एक अभी 7 स्टिकर हो चुका है, टोटल 8 स्टिकर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है स्टिकर का जो है टूर्नामेंट स्टिकर का स्लॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास ये किया है। तो चलो इसका साउंड इफेक्ट तुम देख ही लिए हो, तो फिर भी देख लो, ऐसा नहीं बोलो कि सौरभ भाई आप तो हमको स्टिकर का साउंड इफेक्ट सुनाया ही नहीं, तो सुन लो भाई ये हूँ हूँ करता है भाई, काफ़ी मस्त स्टिकर है, फनी टाइप का स्टिकर है, इसका मास्टर वाला स्टिकर मेरे पास ऑलरेडी है। और अभी भाई मैक्सिमम बंदे लोग ग्लिच हैक यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम डेवलपर्स नहीं है, डेवलपर्स को हमको बैन कर दिया है डिस्कॉर्ड से। तो चलो गाइस तुम लोग गेम प्ले देख के बताना, टोटल मैच हिस्ट्री तुम लोग के सामने है, और जितना गेम प्ले बचा हुआ था जो कि तुम लोग को नहीं दिखाया स्टार्टिंग से, क्योंकि हम राउंड 8 से स्टार्ट किए थे रिकॉर्डिंग, तो ऑल गेम प्ले आप तुम लोग को देखेगा, लाइक कर देना गाइज, 100+ लाइक एम गाइज आई होप कर दोगे तुम सभी लोग। Thank you.
For
fur on there. Thank you.